मेष बाजेट चंद्रमा आपकी राशि में है। विचित्र लेकिन कुछ अच्छे अनुभव भी आपको हो सकते हैं। आपके लिए दिन शुभ है। पैसों के कुछ मामले आपके लिए खास रहेंगे। धन लाभ हो सकता है। नए लोगों और दोस्तों से मुलाकात होगी। टेंशन खत्म होगी। कोई गलत फहमी भी दूर हो सकती है। दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी। बिजनेस में फायदा होगा। पुराने विवाद भी निपट जाएंगे। नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं। परिवार और संतान से सम्मान मिलेगा। सोचे हुए काम पूरे होंगे। आपके लिए दिन अच्छा रहेगा। नेगेटिव, आज जरूरत से ज्यादा खर्चा भी हो सकता है। आपको अपनी इस आदत को लेकर सावधान रहना होगा। आप कम बोलेंगे और किसी खास काम को लेकर हिचकिचा भी सकते हैं। इससे आपको नुकसान भी होने के योग है। क्या करें, अंजीर या गुड़ खाकर घर से निकले। लव, आपकी इच्छा और कोशिश रहेगी कि ज्यादातर चीजें आपके कंट्रोल में रहे। पार्टनर से प्यार और सहयोग भी मिल सकता है। करियर इनकम अच्छी रहेगी। इस राशि के कुछ स्टूडेंट्स के लिए तनाव वाला दिन भी हो सकता है। सफलता भी मिल सकती है। हेल्थ, बदन दर्द या आंखों से जुड़ी कोई तकलीफ हो सकती है। वृषभ जी, साथ काम करने वाला कोई व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है। ऑफिस या आपके ही आसपास वाले अपोजिट जेंडर के लोगों से सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र और बिजनेस से जुड़ी यात्राएं हो सकती हैं। कुछ खास लोगों से मीटिंग भी हो सकती है। जिम्मेदारियां मिलेंगी और पूरी भी होंगी। आज आप खुद पर भरोसा रखें। किसी खास काम के लिए खुद को साबित करके दिखने की कोशिश रहेगी। पैतृक संपत्ति से भी आपको फायदा हो सकता है। पिता से मदद मिल सकती है। नेगेटिव, गोचर कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा है। चंद्रमा की स्थिति अशुभ होने से परेशानी की संभावनाएं हैं। इससे कुछ योजनाएं असफल भी हो सकती हैं। आपको इस बारे में सावधान रहना होगा कि आपके मुख से सिर्फ संतुलित शब्द निकले या आपकी किसी बात को लेकर फालतू विवाद ना हो जाए। ऐसे में आपको हर मामले में सावधान रहना होगा। अनुशासन और संयम रखें। काम से ध्यान हटा तो आपके सामने कई समस्याएं एक साथ आ सकती हैं। किस्मत का साथ आपको कुछ कम ही मिलेगा। दौड़ भाग भी ज्यादा हो सकती है। क्या करें, सानी बाबा या अपने गुरु के नाम से कुछ पैसा गरीब को दें। लव लाइफ को लेकर मन में कोई डर रहेगा। पुरानी बातें सामने आएंगी। बड़े विवाद जैसी स्थिति भी बन सकती है। सावधान रहना होगा। करियर, आज आपको फायदे के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। नए संपर्क बनेंगे। मेहनत और जिम्मेदारी बढ़ेगी। स्टूडेंट्स को सफलता मिलने के योग है। हेल्थ, सिरदर्द और थकान हो सकती है। मिथुन, पांचवें गोचर कुंडली के लाभ भाव में चंद्रमा है। पुराना काम निपटाने के लिहाज से समय अच्छा है। जो भी कुछ करना है वह आपको अपने ही दम पर करना होगा। इससे आपको ही फायदा होगा। आप गुप्त कामों को निपटाने में बहुत हद तक सफल हो सकते हैं। कागजी काम भी निपट जाएगा। निवेश के मामलों पर ध्यान देना होगा। पारिवारिक जिम्मेदारियों में व्यस्त रहेंगे। संतान पक्ष से फायदा होगा। व्यापारियों को कम मेहनत में भी ज्यादा फायदा होने के योग बन रहे हैं। बेरोजगार लोगों को रोजगार के मौके मिल सकते हैं। नेगेटिव, आप ऐसे कामों से बचें जिसके बारे में आपको अंदाज ना हो। संकोच के कारण आपके कुछ काम भी अधूरे रह सकते हैं। तुरंत कोई फायदा नहीं मिल पाएगा। किसी ना किसी बात की टेंशन रहेगी। गाड़ी सावधानी से चलाएं और ट्रैफिक में सावधानी से चलें। क्या करें, किसी मंदिर में जौ, तिल और चावल दान दें। लव, संयम रखें और पार्टनर को मनाने की कोशिश करें। आपके लिए हल्की फुल्की और खुशनुमा बातें ज्यादा कारगर हो सकती है। गंभीर मामलों पर पार्टनर से बात ना करें। लव लाइफ से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने से बचे। करियर, कार्यक्षेत्र और बिजनेस में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। मानसिक तनाव हो सकता है। गंभीर विषयों में मन नहीं लगेगा। बाकी चीजें पढ़ सकते हैं। हेल्थ, सेहत सामान्य रहेगी। हल्का फुल्का बदन दर्द हो सकता है। कर्क, पांच गोचर कुंडली के कर्म भाव में चंद्रमा है।
सामाजिक क्षेत्र में सफलता मिलने के योग है। आपको अपनी कोशिशों का सकारात्मक परिणाम भी मिल सकता है। आसपास और साथ के लोग आपसे सहमत हो सकते हैं। प्रसन्नता रहेगी। आप किसी करीबी की मदद कर सकते हैं। पुरानी मेहनत का परिणाम भी आपको जल्दी मिल जाएगा। पुराने दोस्तों से मिलने के योग बन रहे हैं। कुछ नए लोगों से भी दोस्ती हो सकती है। अनिश्चितता का माहौल धीरे धीरे खत्म हो सकता है। काम में आने वाली रुकावटें दूर हो जाएंगी। परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपका पक्ष मजबूत होगा। नेगेटिव मन में आते संदेह काम की गति को भी धीमा कर सकते हैं। पारिवारिक अनबन होने की संभावना है। कुछ मामले आपको टेंशन दे सकते हैं। कुछ कामों से आपको फायदा नहीं मिल पाएगा। काम निपटाने में कठिनाइयों का सामना भी करना होगा। मेहनत और भागदौड़ ज्यादा रहेगी। क्या करें? अपोजिट जेंडर वाले को लेदर पर्स या बेल्ट गिफ्ट करें। लंबावनाओं पर कंट्रोल करें। पहले से सोच कर रहे कि पार्टनर से क्या बात करनी है और क्या नहीं। करियर आज कार्य क्षेत्र में अधिकारियों से मदद मिल सकती है। रुके हुए काम समय पर पूरे हो जाएंगे। पढ़ाई में रुकावट के कारण मानसिक तनाव भी हो सकता है। हेल्थ आंख के रोग हो सकते हैं। सावधान रहे। सिंह टॉजिटिन गोचर कुंडली के भाग्य भाव में चंद्रमा है। आपको क्या करना है और क्या नहीं, इस संबंध में करीबी लोगों से सलाह मिल सकती है। फायदा और मेहनत दोनों ढंग से आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। करियर के मामले में अच्छे और नए मौके भी आपको मिल सकते हैं। आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती है। धैर्य रखें। किस्मत के सहयोग से ज्यादातर काम पूरे हो सकते हैं। कोई काम करना है तो बड़े और अनुभवी लोगों से सलाह जरूर लें। नेगेटिव, आपके मन में कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। अपना काम किसी और के भरोसे छोड़ने के कारण आप परेशान हो सकते हैं। जमीन जायदाद के कामों में भी रुकावटें आ सकती हैं। इनकम में कमी महसूस होगी। विवादों से बचने की कोशिश करें। क्या करें? पीले फूल पर चंदन लगाकर किसी धर्म ग्रंथ पर रखें। लव प्रेमियों का दिन पार्टनर के साथ बीतेगा। पार्टनर से प्यार मिलेगा। शादीशुदा लोगों के लिए भी दिन अच्छा है। एक दूसरे को समय देंगे। करियर कार्यस्थल पर विवाद और छिटपुट साजिश के शिकार हो सकते हैं। सावधान रहे। स्टूडेंट्स को किस्मत का साथ मिल सकता है। हेल्थ सेहत ठीक ठाक रहेगी। थोड़ी थकान भी हो सकती है। कन्या पॉजिटिव मनोरंजन के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। कुछ रोचक और नए अनुभव भी आपको मिल सकते हैं। पढ़ाई या करियर से जुड़े काम नए सिरे से शुरू होंगे। आज आप नई चीजें सीखेंगे। कुछ कामों से आपको नए अनुभव मिल सकते हैं। जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव भी आ सकते हैं। परिवार के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। आपको कुछ काम गुप्त रूप से करने पड़ेंगे। इनमें आपको सफलता मिल सकती है। कुछ बातें और राज छुपाने पड़ सकते हैं। परिवार और पैसों के मामलों पर ध्यान देना होगा। नेगेटिव गोचर कुंडली के आठवें भाव में चंद्रमा होने से आपकी परेशानी बढ़ सकती है। काम में मन नहीं लगेगा। आपके सुख में कमी आ सकती है। पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण कामकाज पर पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे। कष्ट की स्थिति भी बन सकती है। आपका खर्चा भी ज्यादा हो सकता है। बोलने के तरीके पर नियंत्रण रखना आपके लिए जरूरी है। बिना सोचे समझे बोलने से समस्या बढ़ सकती है। नया कारोबार शुरू करने की ना सोचे। दिन उतना अच्छा नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। कामकाज भी ज्यादा होने से तनाव रहेगा। क्या करें? पान में लौंग और इलायची रखकर हनुमान जी को चढ़ाएं। लव पार्टनर के साथ मन लगा रहेगा। अविवाहित लोग प्रपोजल भेज सकते हैं। सफलता मिलेगी। करियर कामकाज ज्यादा होने से तनाव बढ़ सकता है। किसी पर कोई टिप्पणी भी सोच समझकर ही करें। स्टूडेंट्स योग से सफलता प्राप्त करेंगे। दिन अच्छा रहेगा। हेल्थ वाहन का उपयोग सावधानी से करें। तुला पॉजिटिव दिन अच्छा है। गोचर कुंडली के सातवें भाव में चंद्रमा है। किसी मामले में नई शुरुआत भी हो सकती है। आर्थिक स्थिति सुधारने के मौके मिल सकते हैं। जिस महत्वपूर्ण अवसर का इंतजार है वह भी आपको मिलेगा। लोग आपके लिए मददगार हो सकते हैं। मेहनत से आगे बढ़ें। इसका फायदा आपको आने वाले दिनों में मिल सकता है।
रोजमर्रा के कामों में आपको पार्टनर की मदद मिल सकती है। नेगेटिव कुछ अनचाहे काम भी करने पड़ सकते हैं, रूटीन लाइफ पर असर पड़ेगा। सितारों की स्थिति आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, नींद की कमी और थकान भी रहेगी। क्या करें, गाय को मक्की का आटा खिलाएं? लव, आपकी प्यार भरी जिंदगी में कुछ सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं, भले ही वे बहुत छोटे से हों। छोटे छोटे इन बदलावों से खुशियां मिल सकती है। करियर काम काज ज्यादा हो सकता है, कार्य क्षेत्र में मदद मिलेगी। स्टूडेंट्स को ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। हेल्थ सेहत नासाज हो सकती है, कोई पुराना रोग भी परेशान कर सकता है। वृश्चिक राशि के सकारात्मक और नई शुरुआत करने का मौका भी आज आपको मिल सकता है। भावनात्मक तौर पर संतुष्टि मिलेगी, जरूरत के समय भी मदद मिल सकती है। आज आपको अपनी बात कहने का मौका मिल सकता है। किसी भी बड़े काम में पहल आपको ही करनी होगी। रिश्तों के उलझे सवालों के जवाब भी आज आपको मिल सकते हैं। नजदीकी लोगों से संबंध और भरे हो जाएंगे। आसपास के लोगों से सहयोग बना कर रखेंगे तो सफलता मिलेगी। घरेलू कामों में समय देना होगा। नौकरी में एक्स्ट्रा जिम्मेदारी मिल सकती है। नेगेटिव, आज पार्टनरशिप के मामलों पर ध्यान देना होगा। सावधान रहे, कुछ मामलों में खर्चा, उलझन और परेशानी की स्थिति भी बन सकती है। भाइयों के भरोसे कुछ काम अधूरे भी रह सकते हैं। कोई बड़ी जिम्मेदारी भी आज आपको मिल सकती है। क्या करें, गणेश जी को पिस्ता चढ़ाए? लव, आज भावनात्मक ऊर्जा इन थोड़ी कम है। पार्टनर आपकी अनदेखी कर सकता है, इस बात को दिल से ना लगाएं। करियर कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी भी आज आपको मिल सकती है। तैयार रहे, स्टूडेंट्स के लिए दिन भी अच्छा है। हेल्थ, थकान, आलस्य और नींद की कमी से भी परेशान हो सकते हैं। धनु राशि अधिकारियों से खास बातचीत हो सकती है। गंभीर मामले भी आज आपके सामने आ सकते हैं। इसके नतीजे आपके फेवर में रहेंगे। आपकी योजनाएं पूरी हो सकती है। फायदा और खुशी मिलने के योग हैं। सामान्य से ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। बिजनेस वाले लोगों की इनकम बढ़ सकती है। कुछ नौकरी पेशा लोगों को एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है। छात्र ज्यादा मेहनत करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण मामले सुलझ जाएंगे और नए अवसर भी सामने आएंगे। बड़े काम की योजना तैयार की है तो एक बार उस पर नए सिरे से विचार जरूर कर ले। जो भी नया होगा आपके लिए अच्छा हो सकता है। संतान आपकी इच्छा से काम करेगी। नौकरी में वातावरण भी अच्छा रहेगा। कोई बड़ा फैसला आज आपको लेना पड़ सकता है। नेगेटिव, भविष्य को लेकर आपके मन में कुछ आशंका हो सकती है। ऑफिस में काम भी ज्यादा रहेगा। नई योजनाओं में भी आप उलझ सकते हैं, इससे आपका ज्यादातर समय खराब हो सकता है। किसी की बुराई से आपको ही नुकसान हो सकता है। क्या करें, दूध में बादाम मिलाकर पिए? लव, आज आप अपोजिट जेंडर वाले लोगों को आकर्षित करेंगे। इस राशि के लोग अपने पार्टनर का दिल जीत लेंगे। लव लाइफ के मामले में करियर धन लाभ हो सकता है। कोई अच्छी और सकारात्मक घटना भी होने के योग है। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को आसानी से सफलता मिल सकती है। हेल्थ, कमर के निचले हिस्से में बीमारी से परेशानी हो सकती है। मकर राशि, अपना व्यवहार जितना सकारात्मक रखेंगे आप उतने ही फायदे में रहेंगे। किसी भी काम में पहल करने में संकोच ना करें। आप अपने लिए जो भी लक्ष्य रखेंगे उसमें आपकी मदद करने के लिए कोई ना कोई मौजूद भी रहेगा। नेगेटिव, आज गोचर कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा होने से कामकाज में मन कम ही लगेगा। मेहनत से कोई काम खत्म करेंगे और कहीं कोई छोटी सी गलती के कारण आपको पूरा काम नए सिरे से करना पड़ सकता है। मकर राशि वाले लोगों के कुछ खास काम अधूरे रह सकते हैं। दवाइयाँ, केमिकल्स और कमीशन का काम करने वाले लोग सावधान रहे। क्या करें, अखरोट खाएं? लव लाइफ अच्छी रहेगी। पार्टनर से सरप्राइज मिल सकता है। अपने मन में झांकने, पुराने फैसलों पर विचार करने और आने वाले दिनों की योजना बनाने का भी मूड रहेगा। करियर, नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग वालों के लिए दिन सामान्य रहेगा। कुछ मामलों में मेहनत ज्यादा रहेगी और नतीजा कम मिलेगा। अच्छा समय आने वाला है, हताश ना हो। नए जॉब के ऑफर भी मिल सकते हैं।
हेल्थ मेहनत और काम ज्यादा होने से मानसिक और शारीरिक थकान हो सकती है। कुंभता जटिल गोचर कुंडली के पराक्रम भाव में चंद्रमा होने से दिन अच्छा है। आपके मन में कुछ रचनात्मक और नए आइडिया भी आ सकते हैं। आपको करियर में आगे बढ़ने के नए मौके मिल सकते हैं। आपको इसी काम के लिए एक्स्ट्रा और अच्छे पैसे मिल सकते हैं। आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। नए काम को लेकर आप बहुत उत्सुक हो सकते हैं। उत्साह भी ज्यादा रहेगा। आज पारिवारिक मामलों पर ध्यान देना जरूरी है। कोई भी कठिन या बड़ी बात बहुत सीधे तरीके से आप किसी के सामने रख सकते हैं। आपकी इस प्रतिभा से कुछ लोगों पर अच्छा असर पड़ेगा। संतान से सुख मिल सकता है। दोस्तों से समय पर मदद मिल जाएगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। आपकी इनकम बढ़ेगी। ऑफिस और सरकारी कामों में सफलता मिल सकती है। नेगेटिव पारिवारिक मामलों में अपनी राय रखने में संकोच ना करें। कोई आपके कामकाज में दखल भी दे सकता है, जिससे आपकी परेशानी बढ़ सकती है। आप आज थोड़ी सुस्ती महसूस कर सकते हैं। घर परिवार में कोई अनचाही घटना होने की भी संभावना है। क्या करें? उबली हुई चाय पत्ती किसी गमले में डालें। लव, आपके अच्छे व्यवहार से लव लाइफ में खुशियां आ सकती है। विवाहित लोगों के संबंध मजबूत होंगे, लेकिन अविवाहितों को सावधान रहना होगा। करियर, आपके कामकाज में कोई रुकावटें पैदा करने की कोशिश कर सकता है। आज आप सोचे हुए काम खुद के दम पर पूरे कर सकते हैं। सावधान रहे, स्टूडेंट्स को कोई कठिन टास्क भी मिल सकता है। पढ़ाई में भी रुकावटें आने से चिड़चिड़ापन हो सकता है। हेल्थ, पानी से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। गले के रोग भी परेशान कर सकते हैं। मीन पॉजिटिव, आपके लिए दिन अच्छा है। महत्वपूर्ण मामले निपट सकते हैं। मन में चल रही टेंशन भी खत्म हो सकती है। घर, ऑफिस, बिजनेस या परिवार के किसी मामले को लेकर कोई बातचीत चल रही है, तो उसका नतीजा आपके फेवर में हो सकता है। ज्यादातर मामलों में आपको लोगों की मदद मिल सकती है। नौकरी या बिजनेस के किसी खास मामले में कठिन परिस्थिति बन सकती है। लचीला व्यवहार रखें और खुले मन से बात करें। आज मिलने वाले नतीजे आपके फेवर में हो सकते हैं। जरूरी काम निपटाने के लिए किसी खास व्यक्ति की मदद लेनी पड़ सकती है। परिवार के साथ समय बीतेगा। इनकम सोर्स बढ़ सकते हैं। आपके कामकाज की तारीफ भी हो सकती है। कर्ज संबंधी मामले आपके फेवर में निपट जाएंगे। नेगेटिव, आज आप थोड़े परेशान भी हो सकते हैं। कुछ नए घटनाक्रमों के कारण अचानक भाग दौड़ हो सकती है। किसी से कोई बड़ा वादा ना करें। पूरा ना होने पर आपकी इमेज खराब हो सकती है। क्या करें? अपोजिट जेंडर वाले को खट्टी मीठी चीज खिलाएं। लव लव पार्टनर और परिवार के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। संबंध मजबूत हो सकते हैं। पुराने मतभेद आज सुलझ सकते हैं। करियर, कार्य क्षेत्र में पुराने दोस्तों से भी मदद मिल सकती है। प्रतियोगी परीक्षा और कानून के स्टूडेंट्स को सफलता मिल सकती है। हेल्थ, सेहत के मामले में दिन अच्छा है। पुराने रोग या दर्द में आराम मिलेगा। Thank you.